जयपुर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की विद्युत शाखा ने एसीबी में कार्रवाई की, जहां पर प्रोजेक्ट मैनेजर को एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 1 लाख रुपए की घूस लेते एसीबी ने विजय सिंह को दबोचा। कोचिंग हब में टेक्निकल बिड का काम पूरा करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी डीजी बीएल सोनी के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीबी की टीम ने आज राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अंदर कार्रवाई करते हुए एक यहाँ के जो विद्युत शाखा के जो इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर, उनको यहाँ पर 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। और एसीबी की जो कार्रवाई वो फिलहाल यहाँ पर जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो शख्स नजर आ रहा है ये बेसिकली ये वही शख्स है जिसने 1 लाख रुपए की यहाँ पर जो रिश्वत थी वो यहाँ पर जो ठेकेदार था उससे मांगी थी। चूँकि प्रताप नगर के अंदर एक कोचिंग हब का यहाँ पर जो काम चल रहा है उसका टेक्निकल बिड का जो काम था वो इसी विजय सिंह के पास था, और इसी टेक्निकल बिड कोई के जरिए यहाँ पर जो काम को जो पूरा किया जाना था उसके एवज में यहाँ पर ही रिश्वत की जो राशि की जो डिमांड थी वो यहाँ पर की गई थी। और उसी के चलते यहाँ पर जो परिवादी था, जो ठेकेदार था, उसने इसकी जो शिकायत थी वो एसीबी के अंदर कर दी थी। एसीबी ने इस पूरे मामले का यहाँ पर सत्यापन कराया। सत्यापन के साथ जब मामला सच पाया गया तो उसके बाद आज एसीबी की टीम ने आज योजनाबद्ध तरीके से जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है विजय सिंह उसको यहाँ पर रंगे हाथों 1 लाख रुपए की जो रिश्वत है वो लेते हुए यहाँ पर रंगे हाथों दबोच लिया है। रिश्वत की जो राशि थी वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रही है। यही 1 लाख रुपए की रिश्वत की जो राशि थी जो ठेकेदार से यहाँ पर ली गई थी। विजय सिंह जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है ये वो शख्स है जिसने पूरी रिश्वत की राशि की जो डिमांड थी जो ठेकेदार से यहाँ पर की थी वो यही शख्स है। बहरहाल किस तरह पूरी कार्रवाई रही है इसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर नीरज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की पूरी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम दिया गया और किस तरह की शिकायत थी जो अमूमन आई थी। सर किस तरह की शिकायत थी जो एसीबी के अंदर की गई थी परिवादी की ओर से? हाँ, गत दिनों में ब्यूरो मुख्यालय पर आकर परिवादी ने हमें शिकायत दर्ज कराई थी कि वह प्रतापनगर में जो कोचिंग हब बनने जा रहा है उसमें कोई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड उसका काम है, जिसकी एवज में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई 5.5 करोड़ का करीब टेंडर जो निकला था वो करीब 2 चरणों में होती है, जिसमें टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड के अनुसार उसकी टेंडर इशू होता है, जिस पर इसने आशंका जाहिर की थी कि उसकी टेक्निकल बिड का जो काम पेंडिंग विजय कुमार जी के पास है उसके एवज में उनसे कोई डिमांड कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने काम पेंडिंग रखा हुआ है। तब उसने हमने मांग का सत्यापन कराया गत दिनों में, तो 1 लाख रुपये उनके डिमांड उसमें अप्रूव हुई, जिसके तहत आज 1 लाख रुपये की रिश्वत राशि उनको लेते हुए गिरफ्तार किया गया। टेक्निकल बिड का जो पूरी जिम्मेदारी क्या विजय कुमार की ऊपर ही थी, इसके अलावा और भी कोई अधिकारी की इसके अंदर? ये अभी जांच का विषय है कि ये, लेकिन हाँ अभी प्रथम दृष्टया ये जरूर है कि इनके ओके होने के बाद ही जो शायद ऊपर फाइल ये मूव होकर फाइनल जो भी उच्चाधिकारियों द्वारा वो शायद फाइनल होती, लेकिन स्टार्टिंग संभवतः नहीं थी। परिवादी कितने समय से चक्कर काट रहा था, उसने कब शिकायत दर्ज कराई थी? लगभग उसने 15-20 दिन पहले शिकायत दर्ज कराई थी, वैसे भी ऑनलाइन होती है, लेकिन ये इसके अपने सबमिट जो थे डॉक्यूमेंट वगैरह जो थे उससे रिलेटेड वो उन्होंने कर दिए थे। और सत्यापन में ये भी बात सामने आई कि बड़े आप देर से भी आए हो, तो वो इंतजार करने के बाद भी काफ़ी दिनों बाद गया, तो इसलिए वो सोच रहा था कि काम हो जाएगा उसका नियमानुसार, लेकिन उसने आशंका जताई जब हमने इसका सत्यापन कराया तो वो सही बात पाई गई, उसके द्वारा डिमांड की गई। और भी क्या कोई इसके अंदर भूमिका किसी और की भी है ठेकेदार की, और कि इस पूरी फाइल को अड़चन लगाने के लिए कोई कोई किस किस अधिकारी ने? नहीं नहीं, अभी प्रथम दृष्टया ये तो भी जांच का विषय है, ये विस्तृत रूप से गहन जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा एक इसमें किसकी क्या भूमिका है, उसके बाद ही कहना उचित। क्या जो टेंडर जारी किए थे क्या उसके लिए जो ठेकेदार था एक ही ठेकेदार था या और भी हैं? नहीं, ठेकेदार ने हमें परिवाद में अंकन बताया था कि उसने ऐसा सुना था कि 5-6 और भी अन्य ठेकेदार हैं जिसमें इस टेंडर के लिए अप्लाई किया था, उनके आपस में वार्ता के दौरान उसे भी जो भी जानकारी मिली होगी, तो और भी ठेकेदार हैं जिन्होंने आवेदन किया गया। अमूमन जब टेंडर की प्रक्रिया होती है सर, क्या इस ठेकेदार से पहले भी डिमांड की गई रही है? नहीं, ये अभी कोई इस बारे में मुझे जानकारी नहीं। निश्चित तौर पर 5.5 करोड़ का जो टेंडर था उसके लिए यहाँ पर बिड निकाली जानी थी और उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर जो थी वो जो विजय सिंह है उसके ऊपर थी, लेकिन बावजूद वो उस काम में अड़चन पैदा कर रहा था जिसमें रुकावट पैदा हो सकती है, और इसी के चलते उसने जो ठेकेदार था उसने आशंका जताई थी कि इसी वजह से यानी रिश्वत की डिमांड की जा रही है, इसी के चलते यहाँ पर जो काम को मैं यहाँ पर रुकावट पैदा जो है वो विजय सिंह कर रहा है, और इसकी शिकायत थी जो एसीबी में उस ठेकेदार ने की थी। और उसके बाद जब इस पूरे मामले का सत्यापन कराया तो पूरा मामला सच पाया गया, और उसी के बाद आज एसीबी की टीम ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए
हुए यहाँ पर विजय सिंह जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर उसको यहाँ पर 1,00,000 रुपए की रिश्वत देते हैं रंगे हाथों यहाँ पर दबोच लिया। बहरहाल एसीबी की कार्रवाई यहाँ पर जारी है और उससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद पता चलेगा कि इस पूरे प्लान में और कौन कौन लोग हैं जो इसे विजय सिंह के साथ शामिल है। अगर कोई लोग और भी अधिकारी यहाँ पर भूमिका पाई जाती है निश्चित तौर पर उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन विजय मिश्रा के साथ यादविंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज, जयपुर।